Konnichiwa guys, and वो समय आ गया है, the time that you all have been waiting for. मैं तुम लोगों को आज अपना रूम दिखाने वाला हूँ. मेरा oh, no. थोड़ा सफाई करने के बाद दिखाऊंगा, लेकिन मेरा रूम तुम लोगों को आज मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगा. बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि कैसा तुम्हारा रूम है, हमें थोड़ा अपना रूम दिखाओ. और मैंने बोला है, मैंने एक वीडियो में कहीं पे बनाया हुआ है, बट अच्छे से आज सिर्फ रूम, कुछ प्राइस नहीं, कुछ नहीं. मेरे रूम में क्या है? ओ आई एम सो सॉरी. सो हम लोग आज रूम में तुम लोगों को दिखाऊंगा. ये कबर्ड था, थोड़ा मतलब और अच्छा करके दिखाऊंगा. सो मैंने अपने रूम में रिसेंटली, मैंने तुम लोग को बताया होगा कि लेआउट चेंज किया हुआ है. पहले जैसा था, और मतलब थोड़ा सा ना बड़ा दिखता है उतना सही, इतना सही, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. ये देखो, यहाँ से वहाँ तक में ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा और डिफरेंस है. वेल, जो भी है, मैं तुम लोगों को आज अपना पूरा रूम दिखा रहा हूँ. एंड तो होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी. हम लोग दिवाली के बाद चालू करने वाले वो 5000 वाला बैच फिर से एक और बार. तो यार, अगर तुम लोगों को जापानीज पढ़नी है तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? सोचो, अगर तुम लोगों को जापानीज पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको भर दो, हम तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे. जैसे ही लिंक आएगी हम तुम्हें भेज भी देंगे, तुम भी खुश, हम भी खुश. अब चलते हैं वीडियो पे. सबसे पहले भाई सफाई, सफाई करके फिर मिलते हैं. तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, आज रूम यार देखो, अभी मेरा रूम कुछ ऐसा दिखता है. ये बस 2 मिनट, अभी बदल जाएगा सब कुछ. जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई रूम दिखा दो, रूम दिखा दो, रूम दिखा दो. तो आज रूम देखो, देखो बाहर से. ठीक है, तो भाई मैं तुम लोगों को आज पूरा रूम दिखाता हूँ, घूम फिर के पूरा, आज एकदम अच्छे से. अगर मैं दिखाऊंगा तो वीडियो में कैसा होगा, बहुत सोच समझ के वीडियो, बट टेंशन नहीं लेना, पूरा रूम दिखाया जाएगा. तो रूम में घुसते ही, ठीक है,
रूम में ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब कैसे दिखाऊँ, ये देखो ठीक है, रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लेकिन जैसे अब देखो, मैं ये रूम के अंदर घुसने का है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, बट यहाँ पे ना इतनी जगह नहीं है, ये फुल है, और अभी तुम लोग को ये दीवार दिख रही है, इसके बाद बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बस इतना ही, अगर मैं पूरा पीछे चला जाऊँ तो इतनी जगह है, छोटा सा ऐसे ऐसे तो बहुत ही कम जगह है, मतलब समझ जाओ, रूम तो रूम में घुसते ही राइट साइड पे एक शेल्फ जैसा आता है, मैंने इसमें जूतों के अलावा बहुत कुछ रख रखा है, क्योंकि छोले, कैंड छोले, हाँ, तो क्योंकि जगह है काफी, तो जितनी भी मेरे पास पन्नियाँ आ जाती है ना फालतू की, वो मैं यहाँ पे प्रिजर्व करके, ऐसे रूम में नहीं, तो हाँ ऐसे प्रिजर्व करके, एंड व्हाई नॉट, इतनी सारी जगह है। तो फिर जब हम लोग रूम में अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन रूम के साथ आई थी, ठीक है, ऑटोमेटिक है, अब इसके बारे में क्या बताऊँ मैं, मतलब वॉशिंग मशीन के साथ था, और ये सही है, पानी ना यहाँ से मतलब रोटेट होके अंदर ही चला जाता है, जो भी है, कुछ बाहर नहीं आता है पानी, सब कुछ ऑलरेडी सेटअप था यहाँ पे, ये सब कुछ जो भी था ना पहले से था, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। फिर ऊपर ऐसे एक शेल्फ दिया हुआ है, यहाँ पे ये मिक्सी का डब्बा मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, तो मैंने रख दिया, बाकी कंडीशनर मतलब फैब्रिक कंडीशनर वगैरह मैंने यहाँ पे रख रखा है, और इसमें कॉफ़ी नहीं है, वॉशिंग पाउडर है, ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है यार। फिर थोड़ा सा, फिर यहां से, तो यहां आए, हमने एक कदम लिया, वॉशिंग मशीन आ गई, दूसरा कदम लेंगे तो ड्रेसर आ जाएगा, और ड्रेसर में यहां पे लाइट और प्लग, कन्वीनियंट है, मतलब अच्छा है, जहां मैं हॉस्टल में रहता था ना भाई, कतई मतलब, तो तुरंत ही ये आ जाता है दो कदम पे, एंड इसको यहाँ पे नीचे भी सामान रखने के लिए है, तो मैंने इसमें मतलब अपना हेयर ड्रायर वगैरह, ओ, और ये काफ़ी कन्वीनियंट है, इसमें ना ये इधर गर्म पानी, इधर ठंडा पानी, और ये डिटैचेबल है, तो पता नहीं इतना ज़्यादा ज़रूरत किसको पड़ेगी, बट है तो यूज़ कर सकते हैं। फिर राइट साइड पे इसके जस्ट सामने, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे तुम लोगों को हैंडल दिख रहा है ना, ये हैंडल है बाथरूम का, ठीक है, बाथरूम थोड़ा सेक्सी है भाई, क्या बताएं, तो यहाँ पे ऐसे रखने के लिए है जो भी है, ये क्या है, ओश्ते अकेरू, तो ये इलेक्ट्रिक का वाव है जो भी है। फिर अपना वॉशरूम भाई, इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो ये है, ये करके आएगा, और फिर इसको दो बार दबाएंगे ना, तो मसाज, कितना पानी आ रहा है, और समझ जाओ कहाँ का मसाज, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, कितना पानी आ रहा है वो इससे प्लस माइनस से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये और कंट्रोल्स हैं अलग अलग, ये वाटर का टेम्परेचर तुम्हें, मतलब ये सीट का है, ठीक है, जैसे कि ये सीट है ना, तो ये सीट भी गर्म होती है, एंड वो जो पानी बाहर आता है जिससे हम लोग साफ सफाई करते हैं, वो भी गर्म ठंडा हम लोग कर सकते हैं, और ये तुमने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, मतलब अगर फ्लश, और फ्लश में भी ना छोटा और बड़ा, मतलब बड़ा फ्लश एंड छोटा, अगर तुमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, छोटा ही किया है, तो इससे, एंड यहाँ से फिर पानी आएगा, ये तुम हाथ धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी, और अटैच मतलब इसी में बाथरूम है, बट ऐसे दरवाजा दिया है प्रॉपर, तो यहाँ पे, और इसमें भी ये एक शावर दिया हुआ है, मेरा जो रूम है उसमें मतलब बस शावर, एंड शावर में भी फिर हैंडल, एंड ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ये क्या है मुझे पता नहीं है, पैर रखने का है क्या है, लेकिन पता नहीं है, जो भी है। तो ये है बाथरूम, और
यहाँ पे ना मुझे एक टिप दी थी जब गैस वाले ने, मतलब वाटर टेम्परेचर सेट करने वाला यहाँ पर आया था, तो उसने बोला था भाई देखो टेम्परेचर सेट करने के लिए बाहर लगा हुआ है तो उससे टेम्परेचर सेट करो, आओ दिखाऊं। यहाँ पे जस्ट बाथरूम के बाहर ना ये तो खैर स्विचेस है, ये लाइट है, बंद करो इसको। ये टेम्परेचर का है, मतलब वाटर टेम्परेचर सेट करने का पूरे घर का। तो अगर मैं इसको बंद करता हूँ ना तो मेरी गैस यूज़ नहीं होती है, तो मैं इसको यूजली बंद रखता हूँ। बट एनीवेज यहाँ से हम इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ये लोएस्ट है। वो बोल रहे थे कि हर जगह हाई कर लो एंड टेम्परेचर यहाँ से सेट करो, वहाँ से अगर करोगे तो गैस वेस्ट होगी। मतलब मान लो तुमने यहाँ पे ना ऐसे 43 कर रखा है, लेकिन 43 बहुत ओके तो 43 पे अगर हमने रखा है ना, तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई अगर तुम नहा रहे हो और नहाते वक्त तुम्हें बहुत गर्म लगा तो तुम वहाँ से सेट कर लोगे, लेकिन गैस 43 की ही लगेगी। तो ये बचाने के लिए इसको यहाँ से टेम्परेचर सेट किया करो अगर कभी जापान में आना तो। और ये, और इसके जस्ट लेफ्ट में ये कंट्रोल्स, ये हम लोग ना घर में बैठे बैठे बाहर, मतलब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा अगर कोई डिलीवरी आई है कुछ, और फिर यहाँ से हम वो जो स्लाइडिंग डोर है वो खोल सकते हैं। कोई अपने आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता, ये दबा के उससे बात कर सकते हैं और ये करके कॉल कट कर सकते हैं। ये स्पीकर है, हम लोगों ने अपने घर में, मतलब तो मैंने तुमको अपने घर का 3 कदम दिखा दिए। पहला कदम वॉशिंग मशीन, दूसरा कदम वॉशिंग बेसन, तीसरे कदम पे आ जाता है किचन। और किचन में सिर्फ इतना सा स्टोव है, मेरे लिए एक आदमी के लिए काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना DIY कर रखा है पूरे किचन में, मतलब तुम देखोगे तो ये सब, मतलब यहाँ पे ये जो मैंने लगाए हैं ना, ये ऐसे बर्तन टांगने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जगह कम है यार, और मैं तुम लोगों को ऐसे ये मैंने लगा रखे हैं ताकि मैं ये टांग सकूँ। ये 100 yen में ना सारे आ गए थे। और फिर यहाँ पे मैंने ओवन रख दिया अपना, टोस्टर ओवन। फिर फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के ये फ्रिज में अंडे वंडा फुल स्टैक्ड ब्रो, फुल स्टैक प्रोटीन, एकदम प्रोटीन। तो फ्रिज के ऊपर ऐसे जगह है तो मैंने ये चावल बनाने का रखा हुआ है। एंड बाकी ये जो कटिंग बोर्ड का जुगाड़ है ना, ये मेरा खुद का है। ये ऐसे कर देंगे ना तो हमारे पास जगह हो जाएगी काफ़ी बर्तन वगैरह करने के लिए, और अगर ऐसे कर देंगे तो कुछ यार काटने पीटने के लिए जगह नहीं है, तो फिर इसको ऐसे रख के मस्त काटने पीटने की जगह हो जाएगी। तो हर जगह फुल प्रूफ प्लान हमने कर रखा है। तो जैसा कि तुमने देख लिया भाई, ये था मेरा छोटा मोटा किचन, क्यूट सा छोटा सा किचन। अब तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि भाई देखो, इस रूम में मुझे ये फ्रिज मिला, राइस कुकर मैंने खुद खरीदा, ये स्टोव मिला, वॉशिंग मशीन मिला, और टेबल चेयर बेड अभी दिखाऊंगा। और तो अब हम अपने मेन एरिया में आ जाते हैं, और मेन एरिया में तो ये अब, मतलब देखो फ्रिज के बाद फिर एक कदम लेंगे तो ये स्टडी टेबल। यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह रख किया, अभी ये चालू किया क्योंकि लाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से दूसरी भी चालू कर देनी चाहिए बट पता नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना बैठ के वीडियो एडिटिंग या पढ़ाई वगैरह करता हूँ, पढ़ाई यहाँ पे नहीं लैब में होती है बट यहाँ। फिर बेड मैंने टेढ़ा कर रखा है क्योंकि मुझे यहाँ छोटा सा सोफ़ा चाहिए था। और फिर ये टेबल मैंने खुद खरीदी है, इसमें मतलब थोड़ा यू नो फैंसी ऐसा लगना चाहिए यार कि यार अच्छी जगह रह रहे हैं, मतलब और फोटो वोटो अपना मस्त, इधर किताब, थोड़ा सा DIY। और बेड के नीचे, क्योंकि देखो रूम में जगह ना कम है, तो बेड के नीचे मैंने ऐसे वायर रखने के लिए, और फिर यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए, और छतरी वगैरह रखी हुई है। तो ऐसे ना तुम कर सकते हो। और फिर आता है बालकनी, बालकनी में कपड़े टंगे हुए हैं, और मेरी बालकनी से कोई इतना खास व्यू आता नहीं है, जैसे कि वाह मेरी बालकनी से कोई एकदम खास व्यू नहीं आता है, तो कुछ इसीलिए मैंने ना ब्लॉक कर रखा है, तुम ऐसा कह सकते हो। फिर सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है ना वो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ 300 yen का है, 150 rupees का स्लाइडिंग मस्त जहर। और फिर ये काउच, ये जो सोफ़ा मैंने लिया है, ये है सिर्फ और सिर्फ 900 yen का, और ये सच्ची बात है भाई, ये सब सेकेंड हैंड में ले रखा है मैंने। फिर
ये कबर्ड है, मतलब किचन यहाँ था, डब्बा यहाँ क्या कर रहा है, हड़ा उसको इग्नोर मारा जाए डब्बे को। ये किचन हो गया, किचन के इधर यहाँ पे ये कबर्ड है, और कबर्ड में तुम देखो यार, कबर्ड में ना मेरे बहुत कपड़े हैं, तो ये हैंगर वगैरह सब सेकेंड हैंड, और इसमें ना तुम देखोगे शेल्फ्स नहीं है, तो ये इस तरह से ना तुम्हें कंटेनर्स लेने पड़ेंगे। मेरे वाले में तो शेल्फ नहीं है, जो यूनिवर्सिटी था उसमें भी शेल्फ नहीं था, तो कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा भाई, ये है मेरा रूम, और मतलब यहाँ पे काफ़ी एडजस्टमेंट्स किए हैं तब जाके ये रूम ऐसा मतलब थोड़ा सा ना बड़ा दिखता है। और ये सोफ़ा दो लोगों के लिए है, मस्त मतलब इतना, और कंफर्टेबल है, ये बेड बन जाता है गद्दा, क्योंकि जैसे कोई इंडियन फ्रेंड आया या कोई आया पार्टी करने तो जगह होनी चाहिए ना, उस हिसाब से सोच के कर रखा है भाई, फुल टू प्लान है सब कुछ। तो जब तुम लोग कभी भी जापान आओगे और तुम लोग को यहाँ आना है, तो फुल अपने पास पूरा जुगाड़ है भाई, तुम आओ बैठो चिल करो सो जो करना है करो। इस बार हम लोग जब मैं अपने रूम में पार्टी करता हूँ, तो एक टाइम था जब भाई पूरे के पूरे 5 लोग सोए थे इस कमरे में। कैसे सोए थे मत पूछो, लेकिन सोए थे हम लोग। तो ये है, तुम अपने रूम को मतलब जापान में ना तुम्हें एक चीज़ समझ के रखनी होगी कि भाई तुम्हारा रूम होगा छोटा, तुम्हें यूज टू नहीं होगे। तो तुम मान लो जब इंडिया से जापान आओगे ना, तुम हर रूम में ऐसे ऐसे घुसोगे यार बहुत ही कंजेस्टेड है, और जब जापान से इंडिया जाओगे तो तुम्हें लगेगा वाह क्या हाँ आ गए ये। तो ये होने वाला है तुम्हारे साथ। तो भाई जापान में जब आओगे तो अपना रूम इस हिसाब से सेट करना कि थोड़ा ना स्पेशियस लगे, बहुत ज़्यादा सामान डाल दोगे, जैसे ये सोफ़ा अगर मैं हटा दूंगा तो थोड़ा और स्पेशियस होगा, बट ये उतनी ज़्यादा जगह ले नहीं रहा। तो इस तरह से तुम अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेआउट कर सकते हो प्लान, और फ्रीडम है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है ज़मीन से या ऐसा कुछ, तो तुम इतना दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें। तो ये है हमारी हवेली, आओ कभी हमारी हवेली। तो भाई तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि तुम लोगों को मेरा रूम, मुझे कमेंट्स में बताओ ना कैसा लगा तुम लोगों को मेरा रूम, मतलब मैं तो ऐसे भाई गंदा था, मैंने सफाई की है, बहुत मेहनत की है। आई होप कि तुम लोग को मेरा रूम पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सफाई की है भाई, बहुत मेहनत से। तो ये है मेरा रूम, यहाँ पर होता है चिल, एकदम चिल, मतलब पूरा दिन मेहनत करने के बाद, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद यहाँ पर आके आ हा मस्त सोफे पे ऐसे बैठ के खाते पीते, या फिर टेबल पे यूजली सब कुछ होता रहता है। तो तुम लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन है या ऐसे रूम में ये क्या है वो क्या है या ये साथ में आया था, हाँ एसी साथ में आया था, एसी का रिमोट मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ना रिमोट्स लगे हुए हैं, ये रिमोट्स लगे हुए हैं दोनों, तो ये दो रिमोट है, ये एसी का है। एक चीज़ तुम लोग को ध्यान रखनी होगी कि यहाँ के एसी में ऐसे 3 बटन होंगे, ये लाल वाला दाम्बो हीटर, बीच वाला एयर कंडीशनिंग, और ये वाला कूलिंग। एयर कंडीशनिंग अलग है, कूलिंग अलग है, दाम्बो अलग है, सब कुछ एक ही एसी में आएगा। और ये वाला रिमोट है भाई लाइट का, शो ऑफ करें क्या? अच्छा, तो मैंने वो स्टूडियो लाइट लगा रखी है, तो हाँ अभी लाइट बंद हो गई है, और अलग अलग मतलब हाँ लाइट चालू, एंड ब्राइटनेस भी एडजस्ट हो सकती है, मेरे ख्याल से ये सही हो रहा है। ठीक है, तो हाईटेक एकदम कूल एकदम चिल, देखते हैं अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। एंड नाउ यू कैन ट्राई आउट आवर कांजी फ्लैश कार्ड्स, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड यू कैन परचेज इट थ्रू दैट। यू विल गेट अ सेट ऑफ वर्कबुक एंड 2 फ्लैश कार्ड सेट्स। दीस कंटेन्स 244 वर्ड्स, 120 kanjis. You will also be able to bind them together using this rubber band. This is very convenient actually, and it comes with this workbook in which you can practice your hiragana, katakana, and also you'll be able to practice your kanjis. And we have also attached renshu and practice papers for you guys. Link is in the description below. Order now to get it as soon as possible.